नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पाली से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी है। फोरलेन व्यावर अहमदाबाद मुख्य हाईवे पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं दो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सांडेराव केनपुरा के बीच अनियंत्रित होकर कार पलटी है। राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला जा रहा है और घायलों को उपचार के लिए पाली बांगड़ अस्पताल भर्ती कराया गया है। तो पाली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी है। आपको बता दें कि फोर लेन ब्यावर अहमदाबाद मुख्य हाईवे पर यह हादसा हुआ है। वहीं हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है, वहीं दो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सांडेपुरा केनपुरा के बीच ये हादसा हुआ है। राहगीरों की मदद से घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं घायलों को उपचार के लिए पाली बांगड़ अस्पताल भर्ती कराया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेश पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत भी हुई है, कैसे हुआ ये हादसा? मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, तेज गति से आ रही ये कार अपना नियंत्रण, चालक अपना नियंत्रण खो बैठा था, उसी वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। तो सूचना से थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को निकट अस्पताल में पहुंचाया, तो वहीं एक कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी सूत्रों के अनुसार ये झुंझुनू से अब रोड की ओर ये जा रहे थे और सभी अपने एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। फिलहाल सब को तो पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन घायलों का उपचार अभी तक अस्पताल में जारी है, जहां पर दो युवकों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। सुरेश, किस तरह से, मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दो व्यक्ति अभी गंभीर घायल हैं, तो फिलहाल उनकी अभी कैसी स्थिति है, डॉक्टर्स का क्या कहना है? दोनों युवकों को तत्काल प्रभाव से बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला गया था। उनके बाद में थोड़ी पुलिस देरी से पहुंची और रात्रि होने की वजह से यहां पर उनका उपचार समय पर नहीं हो पाया। देर रात उनको पाली बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां पर उनकी हालत अभी तक चिकित्सक अभी उपचार में जुटे हैं, तो वहीं एक की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है, जहां उनको जोधपुर रेफर किया जाएगा। सुरेश, क्या लगता है कितने लोग इस कार में मौजूद थे? पांच लोग बताए जा रहे हैं, इसमें कार में पांच लोग सवार थे और झुंझुनू से अबरोड की ओर ये जा रहे थे और खतरनाक मोड़ पर ये अपना चालक अपना नियंत्रण खोया उसने। बहुत शुक्रिया सुरेश हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो पाली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी है। आपको बता दें कि फोरलेन ब्यावर अहमदाबाद मुख्य हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है, वहीं दो व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सांडेराव केनपुरा के बीच ये हादसा हुआ है। राहगीरों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।